अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह का होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे जो बुक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी होती है वो सिंपल ऐसे होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर के अंदर आ जाए उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रह जाती है कि अगर एक्स की पावर में एक्स आ जाए तो क्या ये वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट करके लिखी है। उसमें बताया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। यानी कि इस तरह का जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए। अब किसकी पावर में आ जाए, जिसकी भी पावर में आए वो कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कोई पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि कॉन्स्टेंट होना चाहिए। लेकिन वो वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वन हो जाता है तो हमें पता है कि वन की पावर में कुछ भी आ जाए वो वन ही होता है, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं रह जाएगा, इसलिए वो वन नहीं होना चाहिए। वेयर इनपुट वेरिएबल ऑकर्स एज एन एक्सपोनेंट, वो कह रहा है कि इनपुट वेरिएबल ऑकर्स एज एन एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर में वेरिएबल आ रहा है ना वो इनपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल इसलिए कहा गया है कि जब हम इसको डोमेन देंगे तो एक्स की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू लिखी जाएगी। वन लिखेंगे इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, टू इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। इस वजह से एक्स को इनपुट वेरिएबल का नाम दिया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर अगर एक्स की जगह पे मैं कोई इनपुट देता हूँ तो वो तो इस एक्स की जगह पे भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। तो इस वजह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जो कॉन्स्टेंट की पावर में जिसके अंदर वेरिएबल आ जाए। ये वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी के अंदर बताया भी गया है कि जब हम कहते हैं कि वेरिएबल पावर में आ जाए तो जिसकी पावर में वो आना चाहिए वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया गया, डेफिनेशन के अंदर डिटेल से नहीं बताया। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी कर्व या उसका जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा, ये डिपेंड करता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह का है। लाइक टू की पावर एक्स है तो इसका तकरीबन ऐसे बनेगा, थ्री की पावर एक्स का इससे डिफरेंट बनेगा। यहाँ पर देखें तो इनपुट वैल्यू इधर होती है, आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो वन आउटपुट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आप एक्स की जगह पर माइनस वन इनपुट करेंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर टू। वन ओवर टू यानी कि तकरीबन यहाँ पे आके वन ओवर टू, यानी कि ये वाला पॉइंट बनता है तो ये पॉइंट इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे आके वन ओवर टू बन जाता है। माइनस टू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर फोर, वो तकरीबन यहाँ पे आके बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो डिपेंड करता है उस फंक्शन पर और जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उस पर कि ये जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके डेरिवेटिव की, कि इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कंडीशन लाजमी याद रखनी है, हम डेफिनेशन के अंदर ये नहीं लिखते लेकिन ये ज़रूरी है इसको लिखना। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ, उसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। अब इसमें जो इनपुट वेरिएबल है एक्स वो आ रहा है पावर के अंदर, तो इनपुट वेरिएबल यहाँ पर पावर के अंदर होना चाहिए, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में होना चाहिए। इस वजह से ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ एक्स की बजाय मैं इसका नाम वाई रखता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी आए। अब अगर ऐसा हो कि भी एक्स की पावर में कोई कॉन्स्टेंट आ जाए तो हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं बाई यूजिंग पावर रूल। हमें पता है कि वो किस तरह निकाला जाता है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है तो यहाँ पे पावर रूल नहीं लगा सकते कि एक्स को शुरू में ले आए फिर बाद में वन माइनस किया। तो हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को किसी तरह से पावर से हटाना है। अगर ये पावर से हट जाता है फिर डेरिवेटिव लेना आसान होगा। तो पावर से हटाने के लिए बोथ साइड्स का नेचुरल लॉग ले लेंगे। अब लॉग रूल के मुताबिक जो पावर है ये शुरू में आ जाती है तो x यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, x log natural 2 log natural y। अब दोनों साइड्स का डेरिवेटिव ले लें, इधर पे d ओवर dx अप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी d ओवर dx अप्लाई कर दिया। अब log natural के साथ जो वैल्यू आ रही होती है उसका डेरिवेटिव होता है कि 1 के ओवर में चला जाता है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब जो log natural के साथ वैल्यू थी जब उस अकेली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी वाई का लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसमें लॉग नेचुरल टू कॉन्स्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया वाई लॉग नेचुरल टू। तो वाई की वैल्यू क्या थी, टू की पावर एक्स लॉग नेचुरल टू वैसे का वैसे, ये इसका डेरिवेटिव है। इसका नाम हमने y रखा था और यहाँ पे हमने बताया है कि y का जो डेरिवेटिव है वो 2 की पावर x log natural 2 है। इसी तरह अगर हम a की पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं
तो वो भी ऐसे ही आना था। यहाँ पे a की पावर x लिख लेते हैं, a की पावर x log natural 2, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया एक प्रॉपर, जैसे हमने ये प्रूफ किया वैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा। फिर अगर 3 की पावर x का लेना है तो यहाँ एक ही जगह पे 3 पुट करें, 3 की पावर x log natural 3 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी a आएगा। 4 लेना है तो 4 आ जाएगा एक ही जगह पे। तो अब हमने क्या करना है, ये तो सीधा सीधा सा है ना, अगर हमारे पास e की पावर में कुछ आ जाए उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करेंगे। सेम इसी तरह y इज इक्वल टू e की पावर x, अब ये जब इसका डेरिवेटिव निकालना है अगर तो वो पूरा क्वेश्चन दे देता है जी y इज इक्वल टू 2 की पावर x का डेरिवेटिव निकालें, फिर आपने ऐसे ही करना है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटी से स्टेप के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आपने डायरेक्ट लिख देना है, जैसे मैंने ये लिखा है या ये लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं ना e की पावर x का, तो ये भी डायरेक्ट निकाला जाता है। ये भी देखें तो e की पावर में x है, कांस्टेंट की पावर में इनपुट वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव भी डायरेक्ट लिखा जाता है। लेकिन वो इस मेथड से कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बोथ साइड्स का नेचुरल लॉग ले लें ताकि जो e की पावर में x आ रहा है वो किसी तरह से शुरू में आ जाए। x शुरू में आ गया, लॉग नेचुरल e रह गया पीछे। अब बोथ साइड्स का डेरिवेटिव ले लें, इधर का आ जाएगा 1 ओवर y, अकेले y का लेंगे dy वाई ओवर dx आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लॉग नेचुरल e भी 1 के इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता होगा। बाकी मजीद आप अपने कैलकुलेटर से निकाल के भी देख सकते हैं। अब dy ओवर dx अपनी जगह पे इक्वल टू ये y साइड पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल था, e की पावर x के। यानी कि अगर इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है कि e की पावर में x आ रहा है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वही हमें वापस मिल जाएगा। अब इस तरह के कुछ और भी फंक्शंस लेते हैं, उनका भी हम डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ जी, e की पावर अंडर रूट x माइनस 1। अब जैसे ये लिया है, ये तो हमने प्रॉपर उसको प्रूव किया ना, अब हमें इतना पता चल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है। लेकिन एक चीज़ अभी रह गई है इसमें, जब हम बोथ साइड्स का डेरिवेटिव लेंगे, जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो लेने के बाद जो उसकी पावर में फंक्शन था उसका डेरिवेटिव बाद में अलग से भी लिया जाता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही आ गया, अब जो पावर में फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे उसमें भी x का डेरिवेटिव बाद में अलग से लिया जाएगा। असल में x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं लिखा था मैंने। e की पावर अंडर रूट x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 1 ओवर 2। क्यों ऐसे आएगा, पावर रूल लगाएंगे ना, x की पावर 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगी, फिर उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। e की पावर अंडर रूट x माइनस 1 ओवर 2, x की पावर में नेगेटिव 1 ओवर 2 था, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर आ गया। यानी इस तरह से डेरिवेटिव जाता है। डेरिवेटिव वैसे इनका इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके को खासकर जहन में रखिएगा कि जब हम कहते हैं ना कि वेरिएबल पावर में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वेरिएबल किसी कांस्टेंट की पावर में आएगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अदरवाइज वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। ये बात डेफिनेशंस में नहीं लिखी होती, लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में ये बात हमें मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।